उसने बोला मैं 150 रुपया लूँगा, मतलब 150 नहीं आप 200 ले लो, लेकिन मेरे को पहुँचाना पड़ेगा आपको। उसने बोला बैठो बैठो, मैं फटाफट बैठा और बाइक वाला एकदम भगा के लेके गया फटाफट फटाफट। अगर 5 मिनट लेट होते ना तो ट्रेन छूट जाती, ट्रेन आ ही रही थी पीछे से। सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं मुंबई, मतलब स्टेशन पे, और यहां से जाऊंगा जहां पे रहता हूं। सो बीच में टाइम नहीं मिला हमको बिल्कुल भी ब्लॉग करने का, क्योंकि मैं पटना से चला था, तो एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया जो कि मैं बाद में बताऊँगा। बट फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ और ट्रेन रुकी हुई है, तो सामान लूँगा और सामान लेके यहाँ से निकलता हूँ। सो गाइस ये था मेरा सीट, और सीट नंबर 7, और यहाँ पे मैं सोया हुआ था। सो मैंने जो बड़ा वाला बैग था उसको नीचे डाला हूँ, और जो छोटा वाला हैंड बैग था उसको मैं अपने सीट पे रखा था इधर। और यहाँ से जो नज़ारा है आप देख सकते हो, इस तरह का नज़ारा था। कांच थोड़ी गंदी है इसलिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, बट ठीक था जो भी था। और ये था हमारा सीट, और ये था एक सॉकेट था पास में ही। सो जो बोगी थी पूरी फुल नहीं थी, आई थिंक थोड़ा 2-4 सीट खाली था। ये देखो ये है, ये बंद है अभी, और कितने लोगों की परेशानी हो रही है, पैदल जाना पड़ रहा है। ये ख़राब है, उधर का भी ख़राब है, इधर का भी ख़राब है। सो सब लोग पैदल ही जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं पैदल। गाइस ये जो है पूरा ख़राब है, चल नहीं रहा है, सब लोग जा रहे हैं पैदल इसी से चल के। दूसरा वाला काफ़ी दूर है, ये वाला चालू है, और यहाँ से जाना है नीचे। सो मैं आ गया बाहर, और अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा उधर जाते हैं साइड में। सामान काफ़ी हैवी है, और हमको जाना है अभी अगले स्टेशन, वहाँ पे जो लोकल स्टेशन जहाँ से लोकल ट्रेन मिलेगी वहाँ पे जाना है लोकल ट्रेन के लिए, लोकल स्टेशन पे। और यहाँ से कम वो है 0.5 किलोमीटर है कम से कम, तो चल के ही जाऊँगा। बट अंदर अंदर ब्रिज के नीचे से रास्ता है, तो चल के जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से पकड़ूँगा ट्रेन लोकल की, फिर वहाँ से जाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ। सो गाइस से अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से बैग लेके, क्योंकि 5-10 मिनट हो गया यहाँ पे मेरे को रुके हुए, और यहाँ से निकल के चलते हैं लोकल स्टेशन के पास, और देखते हैं बीच में पानी वानी मिलेगा तो पानी लेंगे, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया मेरे पास जो था, और प्यास लगी हमको। मैंने बैग रख दिया है, और अभी वहाँ से मैं टिकट ले लूँगा मशीन से। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं लोकल स्टेशन के पास, और अभी एक ट्रेन आई है, बट वो तो नहीं मिल पाई क्योंकि ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सो मुझे दूसरी वाली जो ट्रेन है उसको पकड़ना होगा, ये लगी हुई है बट ये मिलेगी नहीं, और मेरे पहुंचने से पहले ही चले जाएगी लगता है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 वर्ड आलेली महाराष्ट्र टर्मिनस प्यारे 12 डब्यांची हिंदी लोकल आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल हार्बर लाइन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली 12 डिब्बे। सो गाइस मेरी वाली जो ट्रेन है वो आ चुकी है। सो गाइस फाइनली मैं आ गया बाहर, और अभी यहाँ से जाना है पैदल। 10 से 15 मिनट लगेंगे पैदल जाने में, बट देखते हैं पैदल जाएंगे या फिर ऑटो लेंगे, जैसा होगा वैसे करूँगा। देखते हैं, अभी पहले एक पानी के बोतल लूँगा उसके बाद जाऊँगा। सो गाइस मैं आ गया हूँ थोड़ा मार्केट में, मतलब रास्ते में मार्केट पड़ता है, मुझे लगी काफ़ी तेज़ भूख, तो यहाँ पर चिकन शवरमा मिल रहा है, तो देखता हूँ यहाँ से पहले चिकन शवरमा खाऊँगा, यहाँ पर पानी का बोतल लूँगा उसके बाद जाऊँगा। चिकन शवरमा तो मैं अभी ऑर्डर दिया नहीं, दूँगा और यहाँ से खाने के बाद खाऊंगा या पैक करवा के लेके जाऊंगा, देखते हैं जैसा होगा वैसा करूंगा। गाइस मैंने ले लिया ये शवरमा, और पानी की बोतल भी ले लिया इधर है,
और अभी मैं लेके यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगी है, बट यहाँ पे नहीं खाऊँगा, घर पे जाके खाऊँगा। और ये भी वेट कर रहा है और ये देखा तो ये मेरा ख़त्म कर। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया और मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा जो शवरमा पैक करवाया था उसको खाऊँगा। सो गाइस मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जो कि मैं बोल रहा था और मैं उसको शूट नहीं कर पाया। सो बेसिकली हुआ ये था कि मेरा जो टिकट था वो पाटलीपुत्र से था। सो पटना पाटलीपुत्र से था और मैं वेट कर रहा था पटना जंक्शन पे, तो मुझे ज़रा सा भी मतलब ख्याल नहीं आया, दिमाग में नहीं आया, मैं टिकट भी चेक नहीं किया। मेरे को बस इतना याद था कि 9 तारीख को जाना है और 11:05 में मेरी ट्रेन है, बट मेरे ख्याल में आया नहीं कि मुझे पाटलीपुत्र पे जाना है। सो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था और मैं वेट कर रहा था पटना जंक्शन पे और वहाँ पे वेट करते करते मैं देख रहा हूँ जो एलईडी लगी रहती है उस पर शो करता है कि इतने प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है ये वाली ट्रेन। तो मैं देखा कि 15 मिनट बचा हुआ है, अभी तक शो नहीं कर रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है, फ़ोन में चेक कर रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। तो मैंने क्या किया, मैं जाके जो पूछताछ होती है जहाँ पे इंक्वायरी काउंटर होती है वहाँ पे जाके पूछा तो एक लेडी थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये ट्रेन तो यहाँ से नहीं है, पाटलीपुत्र से है। तब मेरे दिमाग में आया, अरे यार पाटलीपुत्र से है ये, मुझे पता ही है, बट मैं यहाँ की वेट कर रहा हूँ। और मेरे को दिमाग हिल गया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे, 11:05 में ट्रेन थी और मैं 10:45 में उससे पूछा था। सो मैं इंक्वायरी काउंटर से पूछने के बाद मैं भाग के गया बाहर, मतलब दौड़ते हुए गया बैग लेके और बाहर जाके ऑटो वाले से पूछा कि मेरे को जाना है पाटलीपुत्र और मेरे पास सिर्फ 15 से 18 मिनट है, आप पहुंचा सकते हो क्या? तो ऑटो वाले ने मना कर दिया क्योंकि नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जाम मिल जाएगा तो फिर पहुंचा नहीं पाएंगे। तो एक बहुत सारे जो बाइक वाले होते हैं ना, बाइक वाले भी मतलब कैसे पहुँचाते हैं और पैसा लेते हैं, तो एक बाइक वाला आया मेरे पास दौड़ के बोला कि मैं 150 लूँगा, आपको पहुँचा दूँगा। मैं बोला पक्का पहुँचा दोगे 15 मिनट में? बोला कि हाँ 15 से 20 मिनट लगता है बट मैं आपको पहुँचा दूँगा, आप टेंशन मत लो। तो मैं बोला ठीक है पहुंचाओ, और मैं उसके बाइक पे बैठा है, उसने हेलमेट दिया, उसने बोला मैं 150 रुपया लूँगा। मैं बोला 150 नहीं, आप 200 ले लो, लेकिन मेरे को पहुंचाना पड़ेगा आपको, एकदम से जितना जल्दी हो सके चलो, क्योंकि अगर मेरी ट्रेन छूट गई तो फिर हो जाएगा कांड। उसने बोला बैठो बैठो, मैं फटाफट बैठा और बाइक वाला एकदम भागा के लेके गया फटाफट, मतलब पूरा फुल स्पीड में, और बीच बीच में जाम भी मिल रहा था, तो जाम मिल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये हो रहा था कि करिए जाम में कहीं फंस जाऊँ और फिर ट्रेन छूट जाए। तो फिर भी उसने काफ़ी कोशिश किया और जो पाटलीपुत्र पहुंचना था वहाँ पे तो नहीं पहुंच पाए हम लोग, क्योंकि 11:05 पाटलीपुत्र के रोड पे पहुंचते ही हो गया। तो वहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया एक अगला और स्टेशन जो कि दानापुर है, और वहाँ पे ट्रेन 11:25 में थी, मतलब 11:20 में थी, 11:25 में खुलेगी, तो 11:20 में था, हमारे पास 20 मिनट और बचा। तो वहाँ से फिर उसने बोला, मुझे तो आइडिया नहीं था कि दानापुर से मिल जाएगी पहुँचने के बाद, ये हमको रास्ता ही पता नहीं था। तो बाइक वाले ने बोला कि मैं आपको दानापुर पहुँचाता हूँ, पाटलीपुत्र से छोड़ के हम लोग वहाँ से दानापुर चालू किए। तो पाटलीपुत्र का रास्ता हम लोगों ने छोड़ के और सीधे दानापुर स्टेशन निकले, तो बाइक वाले को रास्ता मालूम था और वो फटाफट लेके गया, काफ़ी एकदम मतलब कि जैसे तैसे वो लेके गया। मैं बोला चलो चलो चलो, फटाफट जाते जाते वहाँ पे मतलब 11:15 में हमको पहुँचा दिया उसने, सिर्फ 5 मिनट पहले। अगर 5 मिनट लेट होते ना तो ट्रेन छूट जाती, ट्रेन आ ही रही थी पीछे से। तो उसको मैंने फटाफट ऑनलाइन पेमेंट किया, उसने बोला 150 नहीं, आपको 250 देना पड़ेगा, क्योंकि मैं पाटलीपुत्र के लिए 150 बोला था, आपको 250 देना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको यहाँ दानापुर लेके आया हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, आप 250 ले लो। मैंने उसको 250 रुपया दिया और वहाँ से भाग के गया स्टेशन पर। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचा, ट्रेन पीछे से आ रही थी, तो ये सारा इंसिडेंट हो गया। और उसके वजह से मेरे फ़ोन में बैटरी चार्ज नहीं थे और मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया, मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में। सो ये सारा कांड हो गया मेरे साथ, बट कोई नहीं, होता है। सो ये था आज का स्टोरी और फाइनली मैं पहुंच गया हूं। और जो बाइक वाले भाई थे जिन्होंने मुझे पहुंचाया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से मतलब कि थैंक यू, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत किया था मुझे पहुँचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, मैंने नाम भी नहीं पूछा उनका, बट थैंक यू सो मच मुझे पहुँचाने के लिए। सो मैं सेफली पहुँच गया और चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और सबसे पहला काम है फ़ोन रखने के बाद मम्मी को फ़ोन करना है।